के 7 दिन बाद पुनः भारत अपने 18 जवानों की हत्या का बदला लेकर रहेगा और वो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान को पूरी तरह से अलग थलग कर देंगे। पीएम मोदी ने कहा कि भावों का बलिदान बेकार नहीं जाएगा। पीएम मोदी के भाषण में पाकिस्तान के लिए नसीहत थी लेकिन नवाज शरीफ के लिए आईना था। भारत सफल रहा है पूरे दुनिया में आपको अलग थलग करने के लिए और हम उसको तेज करेंगे और पूरे विश्व में आपको अकेला रहने के लिए हम मजबूर करके रहेंगे। आप सिंध को संभाल नहीं पा रहे हो, आप गिलगित को नहीं संभाल पा रहे हो, आप पख्तूनिस को संभाल नहीं पा रहे हो, आप बलूचिस्तान को नहीं संभाल पा रहे हो, ये तो आपके पास है, आपका साथ है, आप इसको भी नहीं संभाल पाए हो और आपको कश्मीर की बातें करके ये आपको गुमराह कर रहे हैं। आप पाकिस्तान की आवाम अपने नेताओं को जरा पूछे कि जो घर में है उनको तो ढंग से संभाल करके दिखा। हिंदुस्तान दुनिया में सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट करता है और आपके हुक्मरान टेररिस्टों को एक्सपोर्ट करते हैं, क्या कारण है? प्रधानमंत्री मोदी ने जताया कि उरी हमले के बाद से पूरा हिंदुस्तान एकजुट हो गया है, देश के लोग अब बदला चाहते हैं। Threat has been detected. थाम लो दिल को सदा, ये जमीन चूम कर सब कहो झूम कर। ऐ वतन जान 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 मन, ये समागे बहार दिल दा जान सा। Strike teams 1 and 2 take assault positions.
सजा भी और मारे जा भी। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो। चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तान। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो। चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तान। हिंदुस्तान हमने कहा है।